हेलो एवरीवन, आज डेट है 10th of September 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC, स्टेट PCS एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में, और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कारा सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था यूकोन प्लेट्यू को लेकर के, तो यूकोन प्लेट्यू को अगर हम मैप में व्यू करें, यूकोन प्लेट्यू नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, यहाँ से यूकोन रिवर जो है वो भी फ्लो होती है। अगर आप मैप में यहाँ पर व्यू कर रहे होंगे तो आपको देखने पर लग रहा है कि यूकोन वाले रीजन से आर्कटिक सर्किल जो है वो पास होता है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आर्कटिक सर्किल कौन कौन से लैंड एरिया एंड कौन कौन से वाटर एरिया से पास होता है, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में अगर आप UPSC का एग्जाम दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि 2023 से एग्जाम से पहले आपका जो सिलेबस है वो इस तरीके से कंप्लीट हो कि आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों आप कवर कर सकें, साथ ही साथ में आप रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ जो है वो भी सब कुछ कंप्लीट कर सकें, तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। इसमें जो हमारे मेंटोर हैं वो डेली बेसिस पर आपके सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि प्रीलिम्स से पहले आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिवीजन जो है वो भी सब कुछ कंप्लीट होगा। साथ ही साथ में इसमें आपका जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर आपको प्रिपेयर करवाया जाता है। मेंटोरशिप प्रोग्राम के जो भी अदर बेसिक फीचर्स हैं उनको आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के व्यू कर सकते हैं, और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है प्रोग्राम तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो इश्यू चल रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के जिनको लेकर के डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा है, तो इसी में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है उसको लेकर के डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर के तहत ये बोला गया है कि मंडे तक ये जो प्रोसीजर है कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर जो भी इशू है उनको सोल्व कर लिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया और चाइना बॉर्डर की तो बहुत सारे पॉइंट्स ना सिर्फ लद्दाख वाले रीजन बल्कि अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश है। ओके, तो यहाँ पर और भी अदर पॉइंट्स हैं लद्दाख वाले रीजन में, इन सभी को लेकर के जो प्रोसीजर है वो जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। इसका बेसिक रीजन ये माना जा रहा है कि अभी सितंबर में ही HCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, नवंबर में G20 की मीटिंग होगी जिसमें इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्री जो हैं वो आपस में आमने सामने होंगे, तो इन्हीं को एक तरीके से सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन देने के लिए ताकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद में दोनों कंट्री के जो हेड हैं उनकी डायरेक्टली मीटिंग होगी और उन सभी में जो भी इशू हैं उनको लेकर के कोई प्रॉब्लमेटिक इशू ना देखने को मिले, इसीलिए ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है इसके ऊपर कुछ रिजल्ट लाने की कोशिश की जा रही है। तो हम यहाँ पर बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है जो 2020 में इशू देखने को मिला था। अगर यहाँ पर आप चाइना और इंडिया की बॉर्डर वाला रीजन लद्दाख वाले रीजन में अगर आप व्यू करोगे तो ये है अक्साई चीन जिसको इंडिया क्लेम करता है कि ये मेरा पार्ट है और चाइना ने इसको अपने अंडर इसको कवर कर लिया है। तो यहाँ पर एक गालवान रिवर जो है ओरिजिन होता है अक्साई चीन से, उसके बाद में वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करती हुई जो गालवान रिवर है वो यहाँ पर एंटर करती है, और जो शोक रिवर फ्लो होती है हमारे लद्दाख वाले रीजन में उसमें एंटर करती है गालवान रिवर। तो गालवान रिवर का जो वैली वाला रीजन है वहीं पर लोकेटेड है गालवान वैली, और इसमें 2020 में इशू देखने को मिला जिसकी वजह से हमारे इंडिया के कुछ सोल्जर्स जो है उनकी डेथ भी यहाँ पर देखने को मिली थी, और उसके बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक ये इशू चलता रहा। फिर इंडिया ने पेंगोंग सो लेक का जो सदर्न पार्ट है उसको अपने अंडर कवर करके एक तरीके से चाइना को काउंटर करने की कोशिश की, तब जाकर के चाइना जो है वो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर या जो भी इशू पॉइंट्स हैं उन सभी के सॉल्यूशन को लेकर के तैयार हुआ। अब रिजल्ट ये रहा कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम से ये डिस्कशन चल रहा है लेकिन इसका जो एक प्रॉपर जो रिजल्ट निकल करके जो आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाया है। अब क्या रीजन था कि 2020 में इशू हुए, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दौलत बेग ओल्डी वाला रीजन है,
इंडिया क्या कोशिश कर रहा है कि इंडिया, अगर हम बार बार देखें तो इंडिया अपने बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़, इस तरीके की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो दौलत बेग ओल्डी वाला जो रीजन है, यहाँ पर इंडिया ने कुछ हाईवेज का, कुछ रोड कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज जो है वो करवाई थी, जिसको लेकर के चाइना को काफ़ी ज़्यादा इशू था। दूसरा, अगर हम बात करें तो 2019 में इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है उसको भी रिमूव करके उसको 2 UTs में डिवाइड कर दिया था इस एरिया को, ताकि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस एरिया को गवर्न कर सके। तो इन इश्यूज को लेकर के भी, इन पॉइंट्स को लेकर के भी चाइना को कुछ इश्यूज थे। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस रिमूव हुआ उसमें ना सिर्फ चाइना को इशू थे, उसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो कंट्री है उन्होंने भी इसको लेकर के अपनी तरफ से पॉइंट्स रखे थे कि वो एरिया जिसको लेकर के अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है या जिसका अभी एक सॉल्यूशन नहीं निकल करके आया है, उसको लेकर के इंडिया को उसका स्पेशल स्टेटस जो है वो रिमूव नहीं करना था। तो दो पॉइंट्स हमने देखे, एक तो इंडिया यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर रहा है, दूसरा अगर हम बात करें तो स्पेशल स्टेटस को रिमूव कर लिया गया। थर्ड अगर हम बात करें तो इंडिया का, चाइना को ये लग रहा था कि US की तरफ जो इंडिया है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और US जो है वो तो चाइना को काउंटर करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर चाइना को अपने जो प्रॉफिट हैं उनको लेकर के कुछ इश्यू नज़र आ रहा था, तो ये भी एक बेसिक रीजन था। फोर्थ अगर हम पॉइंट बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये जो रीजन है वो इस तरीके से कवर होता है, तो यहाँ पर जो POK वाला जो रीजन है वहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन करवाया, जिसको लेकर के भी इंडिया को कुछ इश्यू थे, और फिर इंडिया का US की तरफ इन्फ्लुएंस देखने को मिला। तो इसकी बेसिस पर चाइना को ये लगा कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो US के साथ में मिल करके किसको, चाइना को काउंटर करेगा, अपना जो डोमिनेंस है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो इसी में अपना डोमिनेंस यहाँ पर क्रिएट करने के लिए चाइना जो है उन्होंने इन सारे इश्यूज को, या जो भी ये बॉर्डर इश्यूज हैं, इनके ऊपर प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया। देखो, चाइना की ये स्ट्रेटजी है, अगर चाइना के अकॉर्डिंग कोई कंट्री जो है उसको फॉलो नहीं करता है, जैसे ताइवान जो है अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो ताइवान को चाइना अपना इंटीग्रेटेड पार्ट मानता है, लेकिन 2016 से अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ताइवान अपने इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अपने आप को एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि ताइवान में जो US के जो लॉ मेकर्स हैं, इम्पोर्टेंट डेजिग्नेटेड जो पोस्ट पर जो पर्सन है, उनकी विजिट देखी गई ताइवान में, जिसकी वजह से चाइना ने ताइवान के आसपास वाले रीजन में सी एरिया और एयर एरिया जो भी है वहाँ पर अपने मिलिट्री डील्स जो हैं वो कंडक्ट किए, ताकि एक तरीके से वो अपना डोमिनेंस उस एरिया के ऊपर क्रिएट कर सके। तो ये इंडिया और चाइना के बीच में कुछ बेसिक इशू थे। देखो, जब भी कोई इशू क्रिएट हो तो उसके जो बेसिक्स हैं, मतलब उसका जो स्टैटिक पार्ट है या उसके जो बेसिक्स हैं कि क्या रीजन है कि इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है। बहुत सारे रीजन होते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसके काफ़ी ज़्यादा रीजन क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से उसको लेकर के अगर हम उन पॉइंट्स को कवर अप कर लेते हैं तो स्पेसिफिक जो हमारा मेंस वाला जो पार्ट है, UPSC में जो आपका मेंस वाला पार्ट है, वहाँ आप ईजिली कोई भी टॉपिक आए उसको लेकर के आपने 4 पॉइंट्स उसके प्लस में, 4 पॉइंट उसके नेगेटिव में अगर तैयार कर रखे हैं तो इजीली आप अपना आंसर जो है वो लिख पाते हो। तो आपको ये करना है कि जब भी आप किसी इशू को रीड करो, कम से कम उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो निकालने की कोशिश करो, ताकि जब भी कोई, देखो ओवरऑल क्या होता है कि UPSC में अगर आप देखो तो करंट अफेयर्स में जो इशू होते हैं मेंस में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल किसी ने कमेंट भी कर रखा था और ये पूछा था कि आप हमें प्रीवियस ईयर मेंस के जो क्वेश्चन है वो आप आंसर राइटिंग में दीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो आपको कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेंस की नहीं करनी है। हाँ, प्रीलिम्स में आप करो, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आइडियोलॉजिकली आपको समझ में आएंगी किस तरीके से क्वेश्चन देखे जाते हैं। हाँ, मेंस में आप देख सकते हो कि क्वेश्चन, लेकिन कभी भी उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अपना जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ओके, और अब जब करंट अफेयर्स इन्फ्लुएंस होंगे तो उनका आंसर देने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो करंट अफेयर है और उस टाइम लास्ट ईयर या उससे पहले जो करंट अफेयर, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा।
तो इसकी वजह से मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप स्टैटिक पार्ट से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, आपका ऑप्शनल जो है उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मेंस में आप व्यू कर सकते हो, लेकिन आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह से उस टाइम का जो करंट अफेयर्स है उसको आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक पार्ट है, इसको तो आप राइट डाउन नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया कि जब भी कोई इश्यू हो उसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स निकालने की कोशिश करो, ताकि अगर इस तरीके के कोई पॉइंट देखने को मिले तो इजीली आप अपना आंसर लिख सको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रंट पेज पर ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है इसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत बायोटेक की जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है सुचित्रा इला, उनको यहाँ पर एक तरीके से अवार्ड दिया है, और ये जो अवार्ड है वो यहाँ पर चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड उनको दिया गया है। आप सभी को पता है कि भारत बायोटेक ने कोविड के टाइम में स्पेसिफिक अपना रोल प्ले किया, और भारत बायोटेक ने इंडिया की जो इंडिजिनस वैक्सीन है उसको यहाँ पर डेवलप किया था, कोवैक्सीन को। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो भारत बायोटेक है उसने इंडिया की पहली नेजल वैक्सीन भी डेवलप की है कोविड की, जिसकी वजह से जो जो सिरिंज और नीडल की जो ज़रूरत होती थी अभी तक वैक्सीन को लेकर के उसकी ज़रूरत नहीं होगी, और जब सिरिंज और नीडल की ज़रूरत होती थी तो ट्रेंड जो फैकल्टी है या ट्रेंड जो जो भी हमारे नर्सिंग स्टाफ है उनकी हमें ज़रूरत होती थी, लेकिन नेजल के थ्रू अगर हमें इनपुट करना है वैक्सीन को तो इसके लिए इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो एक तरीके से अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश की गई है वैक्सीन का, ताकि कोई भी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट, यहाँ पर जर्नलिस्ट कप्पन जो है केरला से बिलोंग करते हैं, मिस्टर सिद्दीकी कप्पन, उनको 2020 में अरेस्ट किया गया था। 2020 में आप सभी को पता है कि यूपी में एक इशू हुआ था हाथरस केस के नाम से जिसको जानते हैं, जिसमें एक दलित गर्ल को एक तरीके गैंगरेप किया गया, उसमें उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद में नाइट टाइम में ही उसका जो क्रिमेशन है वो कर दिया जाता है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू हुए थे। तो हाथरस केस अगर आपने न्यूज़पेपर रीड किया हो तो उसी टाइम में ये केरला के जो जर्नलिस्ट थे वो भी वहाँ की विजिट पर गए हुए थे, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, यूपी पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया, और इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने में ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरीके से टेररिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं उनके साथ में भी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो टेरर गैंग है उनके साथ में भी इनके रिलेशन देखने को मिले हैं, ऐसे एलिगेशन लगाए थे जो पुलिस है उन्होंने। अब उनके खिलाफ जो केस है वो रजिस्टर हो गए 124A, जिसको सीडिशन चार्जेस के नाम से भी जानते हैं, 153A, जिसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी सोसाइटी में जो अलग अलग ग्रुप हैं उनके बीच में एनिमिटी प्रमोट करने का अगर कोई पर्सन काम करे तो उसको 153A के तहत जो है वो रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 295A, UAPA एक्ट, इन सारे एक्टिविटीज़ के अंडर जो हैं उनके ऊपर केस रजिस्टर किए जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल अलाउ किया है और ये बोला है कि हर कोई इंसान जो है, हर कोई ह्यूमन जो है उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, मतलब वो अपनी बेसिस पर किसी भी पॉइंट को लेकर के अपने जो भी उनको लगता है कि ये जो इशू है इसको लेकर के ये सारे पॉइंट्स जो है वो बाहर आने चाहिए, और वो उस प्रॉब्लम को लेकर के उसका अपने जो भी पॉइंट्स हैं उनको रख सकता है। ओके, तो यहाँ पर कल भी हमने डिस्कस किया था कि देखो जो सीडिशन चार्जेस हैं UAPA एक्ट जो है, या फिर बात करें 153A जो है, इसके अंडर बहुत सारे केसेस रजिस्टर हो जाते हैं होते हैं, लेकिन इनकी जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि इन ये जो भी हमारे इंपोर्टेंट लॉज हैं इनका मिसयूज किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर यूके की जो क्वीन है क्वीन एलिजाबेथ, उनकी डेथ हो गई है, उनके बारे में बता रखा है कि किस तरीके का उनका जो एरा है वो रहा। काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने एज ए मोनार्क रोल प्ले किया है यूके के लिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बेंगलुरु जो हमारी सिटी है उसको लेकर के है। राइटर ने ये बताया है कि हैवी रेन देखने की वजह से बेंगलुरु में फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर
जो राइटर हैं उन्होंने बेंगलुरु की जो कंडीशन है उसका कंपैरिजन किया है इंडिया के अदर सिटीज़ के साथ में, कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर सिटीज़ का जो डेवलपमेंट है, सिटीज़ का जो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती हैं। कंपैरिजन करें अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, तो फॉरेन कंट्रीज़ में किसी भी एरिया को डेवलपमेंट करने से पहले या किसी भी एरिया में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एस्टेब्लिश करने से पहले वहाँ पर कंप्लीट रिव्यू किया जाता है और जो जो इशू हैं उनके सॉल्यूशन के लिए उसी टाइम काम किया जाता है। लेकिन इंडिया में मिसमैनेजमेंट के थ्रू जो है वो सिटीज़ को एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसकी वजह से बढ़ते हुए टाइम के साथ में जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है वो क्रिएट होता है। बात अगर हम करें तो अदर इशूज में, तो जैसे कि मिसमैनेजमेंट है अगर किसी भी सिटी में तो वहाँ पर और भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हैवी रेन जैसे इशू होते हैं तो उसकी वजह से फ्लडिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और भी अदर इशू जो हैं वो किसी भी सिटी एरिया को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर राइटर ने ये बोला है कि देखो जो भी इशू है किसी भी सिटीज में वहाँ पर हम एक तरीके से डिस्कशन के थ्रू या कोऑपरेशन के थ्रू उसका सॉल्यूशन हम लेकर के आ सकते हैं। कोऑपरेशन में उन्होंने बताया कि जब भी किसी एरिया में जो भी पॉपुलेशन रहती है उनके बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए हर इशू को लेकर के, कि हमने ये वर्क किया तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो भी यहाँ पर लोकल एरिया पर जो भी एक तरीके से म्यूनिसिपलिटीज़ होते हैं, नगर निगम होते हैं, नगर कॉरपोरेशन होते हैं, इन सभी में इस तरीके से काम किया जाए कि बेसिक लेवल पर जो भी इशू हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका सॉल्यूशन जो है वो देने की कोशिश की जाए। फिर बात की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की और फिर बात की गई है पॉलिटिक्स लेवल की, कि इन सभी का जब इंक्लूजन होगा तो इस तरीके की सिटीज़ में जो इशू देखने को मिलते हैं वो आने वाले टाइम में अदर सिटीज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट नहीं होंगी और जो भी सिटीज़ में जो इशूज हैं उनको सॉल्व किया जा सकेगा। यहाँ पर जो राइटर है नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है मुस्लिम कम्युनिटी की जो वीमेन हैं उनको लेकर के। अभी एक नया केस रजिस्टर हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम वीमेन के द्वारा, गाजियाबाद बेस्ड वीमेन है, उन्होंने तलाक ए हसन को लेकर के एक पिटीशन डाली है। इसमें देखो मुस्लिम कम्युनिटी की जो वीमेन है उसको एक 1 मंथ के एक तरीके से गैप में 3 टाइम्स जो है, पहले जो तलाक जो वर्ड हो ट्रिपल तलाक जो था उसमें इंस्टेंट तलाक दे दिया जाता था, लेकिन तलाक या सन में क्या होता है कि इसमें जो है वो एक गैप के बाद में 1 मंथ में 1 बार तलाक बोला गया, फिर 1 मंथ का गैप दिया गया, फिर 1 मंथ का गैप दिया गया। एक तरीके से इस्लाम कम्युनिटी के लिए एक प्रोसीजर रखा गया था कि अगर आप 1 टाइम आप तलाक देते हो लेकिन आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो सकती है, हमारे बीच में जो इशू है वो सोल्व हो सकते हैं, तो यहाँ पर फिर एक तरीके से गैप रखा गया ताकि कंप्लीट तलाक ना होने से पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो राइटर जो है उनका ये मानना है कि ये जो प्रॉब्लम है ना तलाक ए हसन जो है, इसमें क्या होता है कि एक लंबे टाइम तक कोई भी जो इशू है वो बना रह पाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो वीमेन के जो राइट्स हैं उनकी भी बात की गई है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में खुला एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो मुस्लिम वीमेन हैं वो भी अपने राइट्स को यहाँ पर कैरी कर सकती हैं और जो डाइवोर्स है उनको अपनी तरफ से इनिशिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो देखो इसीलिए हमारे इंडिया में जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड की जाती है, कि जिस तरीके से गोवा स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है ताकि सभी जो हमारी कम्युनिटी हैं उनमें सभी के लिए, उनकी मैरिज के लिए, उनके डाइवोर्स के लिए, उनके अडॉप्शन प्रॉपर्टीज़ के जो भी प्रोसीजर उन सभी के लिए 1 राइट्स हों, ताकि सभी कम्युनिटीज़ में एक इक्वलिटी देखने को मिले। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि वीमेन के जो राइट्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी में उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू हैं, कुछ इशूज को सोल्व करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन टाइम के साथ में जो जो पॉइंट्स जो हैं सामने आएंगे उन पर एक रिजल्ट जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर बिल्किस बानो केस में जो एक तरीके से रेमिशन पॉलिसी को फॉलो किया था गुजरात स्टेट के द्वारा, उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रेमिशन रिपोर्ट्स की डिमांड की है, कि इसको रिव्यू के लिए पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले रेमिशन रिपोर्ट की डिमांड की है कि इन रेमिशन रिपोर्ट में किन बेसिस पर ये जो भी रेमिशन पॉलिसी है उसको फॉलो किया गया। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 2002 के टाइम में इशू हुआ था बिल्किस बानो केस। अब इसमें जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनमें से उन लोगों को 14 ईयर्स के बाद में 11 कन्विक्ट्स वर रिलीज्ड आफ्टर 14 ईयर्स,
तो उनको रिलीज कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट के पास में पावर है और टाइम टू टाइम जो है हर स्टेट में कुछ ऐसी एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है या उनका कुछ बोर्ड बनाया जाता है जो प्रिजन में कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं, किन लोगों को बेल देनी है, किन जो लोगों को जो है वो रेमिशन करना है, उन सभी को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्किस बानो केस में क्या था कि सीबीआई के द्वारा गवर्न किया गया था इस केस को, तो सबसे बड़ा इशू तो यही देखने को मिला कि जो गुजरात गवर्नमेंट है उनको इसके ऊपर रिजल्ट देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से भी डिस्कशन करना चाहिए था। दूसरा, इनका जो बोर्ड बना था उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिला था, क्योंकि जब हम रेमिशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में कुछ पॉइंट्स रखे कि हम इन पॉइंट्स के ऊपर किसी भी लोगों को जो है वो रेमिशन पॉलिसी फॉलो की जा सकती है। लेकिन उन्होंने बोला कि कोई ऐसा हीनियस क्राइम जिसकी वजह से जो है वो सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम, मतलब जिनको आप रेमिशन दे रहे हो ना उनको अगर आप छोड़ भी देते हो तो सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तब जा कर के उनको आप रेमिशन पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, या फिर वो पर्सन जिसने जो क्राइम किया है वो क्राइम करने के लिए वो दोबारा से एलिजिबल ना हो पाए, इस तरीके के पॉइंट्स के बेसिस पर आप रेमिशन पॉलिसी को फॉलो कर सकते हो। लेकिन बिल्किस बानो केस जो है वो काफ़ी हीनियस क्राइम था और इससे सोसाइटी पर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें रेमिशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी इशू हैं उनको लेकर के रिव्यू पिटीशन डाली गई कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर फॉलो किया वो गलत है। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 1992 की गुजरात की जो रेमिशन पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि 2002 में जब केस हुआ उस टाइम रेमिशन पॉलिसी थी 1992 की, तो उसी के बेसिस पर जो भी इशू हैं उनको सोल्व करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, अभी हमने फ्रंट पेज पर भी डिस्कस किया था कि इंडिया और चाइना के जो इशू हैं वो हर एरिया में जहाँ जहाँ पर इंडिया और चाइना की बॉर्डर टच होती है उन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा इशू हैं। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में हमारी जो आर्मी है उसको मॉडर्न आर्टिलरी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो डिफेंस एरिया में अपने आप को सिक्योर कर सके और जो भी इशू हैं उनको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक नया अभियान जो है अभियान का नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान वो लॉन्च किया है। ओके, अब इसमें उन्होंने टारगेट रखा है, उन्होंने बताया है हमारे प्रेसिडेंट ने कि क्या होना चाहिए, हमारी जो कंप्लीट इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें टीबी डिजीज ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के लिए जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं इससे इस डिजीज से अपने आप को बचा पाएं और जो हमने टारगेट लिया है उसको अचीव कर पाएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ट्यूबरक्लोसिस कॉज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ्स अमोंग ऑल अदर इन्फेक्टियस डिजीज इन द कंट्री। कंट्री में जो इन्फेक्टियस डिजीज की वजह से जो डेथ होती है उसमें ट्यूबरक्लोसिस जो है वो सबसे बड़ा रोल है उसका। इंडिया हैज ए लिटिल लेस देन 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट हैज मोर देन 25% ऑफ द टोटल टीबी पेशेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया में अगर टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन से अगर हम कंपैरिजन करें तो 20%, और अगर टीबी पेशेंट से कंपैरिजन करें तो 25% से ज़्यादा जो पेशेंट है वो इंडिया में है, और ये एक कंसर्न का मैटर है। तो हमें क्या करना है, टीबी अफेक्टेड जो पीपल हैं अगर वो पुअर सोसाइटीज से आते हैं, पुअर सोसाइटी के पुअर सेक्शन से आते हैं, तो उनको हमें सबसे पहले ऐड करना है। कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी मेथड जो हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे ताकि हम 2047 में हमारे इंडिया को जो लीडिंग नेशन के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी के रूप में हम अपने आप को अगर एस्टेब्लिश करना है तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हमें सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि COVID-19 पेंडेमिक के टाइम में इंडिया ने जिस तरीके से अपने आप को गवर्न किया था वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ था, और उसी के बेसिस पर इंडिया जो है वो अपनी नई पॉलिसी अदर डिजीज़ को लेकर के भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 2030 तक जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू जो है वो टारगेट लिया है कि टीबी को इरेडिकेट करना है, लेकिन इंडिया जो है उन्होंने टारगेट लिया है कि 2025 तक ही हम टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ है उसको इरेडिकेट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक सर्वे करवाया है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया जा रहा है थ्री लैंग्वेज के ऊपर, और ये बोला जा रहा है थ्री लैंग्वेज में कि हिंदी इंग्लिश और कोई भी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके ऊपर फोकस किया जाए और उसी के अकॉर्डिंग
जो हमारी बेसिक जो एजुकेशन है, मतलब स्टार्टिंग जो एजुकेशन है किसी भी बच्चे की, वो लोकल लैंग्वेज में हो, ताकि उसको लेकर के एक बर्डन क्रिएट ना हो सके। लेकिन इस सर्वे में बोला गया है कि बहुत सारे एरियाज में हमने देखा कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें वहाँ के जो चिल्ड्रन है वो कम्फर्ट नहीं है। तो जिस एजुकेशन के ऊपर फोकस हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनकी वजह से, उस फॉर्मूला की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिले। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वंदे भारत जो प्रोडक्शन है, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि 2023 तक हम क्या करेंगे, 75 जो ट्रेन्स हैं उनको बनाएंगे और उनको इंस्टॉल करेंगे, और ये जो एक तरीके से इंडिजिनस लेवल पर तैयार की गई ट्रेन्स होंगी, जो हमारे इंडिया के लिए, जो भी हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने का जो टारगेट है उसको हम कंप्लीट करने की तरफ या उसकी तरफ बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर है, और यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो अभी फ्लड जैसे इशू देखने को मिले उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि यूएन चीफ जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करते हुए और पाकिस्तान में जो फ्लड विजिट जो देखने को मिला उसकी विजिट करने के लिए आए हैं। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान ने जो फेस किया है उसको एक तरीके से उसको, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक तरीके से सपोर्ट यहाँ पर किया जाएगा। देखो अभी अपन प्रेजेंट टाइम में देखें तो पाकिस्तान में हैवी फ्लड होने की वजह से, हैवी फ्लड होने की वजह से पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिला। इशू देखने की वजह से वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो साइट, सिंधु घाटी सभ्यता की जो इम्पोर्टेंट साइट है, सबसे लार्जेस्ट साइट है, उसके ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिला। तो 1960 में एक हाइड्रोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी पेश की थी, उन्होंने अपनी एक बात रखी थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है उसका एक मेजर रीजन है कि यहाँ पर फ्लड देखने को मिला था। और ये चीज़ें जो अभी प्रेजेंट टाइम में शो कर रही हैं कि हैवी फ्लड की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो साइट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, जिसको 1980 में डेजिग्नेशन दिया गया था, इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो साइट हैं वो इंडस रिवर के बैंक पर फ्लोरिश हैं, और 1922 में आर.के. बनर्जी ने इसको, इस एरिया को एक्सप्लोर किया था। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो साइट है उसको लेकर के कुछ इश्यू देखने को मिले हैं। तो आपको ये बताना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको लेकर के हमारा ये टारगेट रहता है कि कौन से सेक्टर में या कौन से एरिया में क्या स्पेसिफिक चीज़ हमें मिली वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या यूनिक जो थिंग्स हैं वो हमें मिले थे, इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे अदर इनिशिएटिव हैं, जैसे हम एनवायरमेंट को MCQ के थ्रू कम्प्लीट कर रहे हैं, और जो भी अदर इनिशिएटिव हैं उन सभी को आप व्यू कीजिए और अपना सपोर्ट बनाइए रखिए। ओके, थैंक यू।